और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते चले, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी सामने आ रही। देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों की कोर्ट में पेशी, पुलिस ने पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, दो आरोपियों की पेशी हुई है जिसकी गिरफ्तारी, दोनों आरोपी एक हरियाणा और एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला, उत्तर प्रदेश भी टीम रवाना हुई है। और बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा भी टीम रवाना हुई है और वहां पर भी टीम इनके घर पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है, पुलिस ने पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया है। तो इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है, दो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, पूछताछ के बाद कोर्ट में पेशी, तीसरा आरोपी जिसकी शिनाख्त हो गई है शिव कुमार बताया जा रहा है उसका नाम। और तीसरी तरफ देखिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है और साथ ही साथ धमकी भरा एक पोस्ट भी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से शेयर किया गया है, सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आया है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली, यूपी हरियाणा के शूटर्स ने 40 दिन तक रैकी की, ये जानकारी सामने आ रही। दो आरोपी जो गिरफ्तार किए गए थे उनसे पूछताछ की गई और अब उनकी कोर्ट में पेशी हो रही है। देखिए 40 दिन तक रैकी कर ऑफिस के बाहर गोली मारी गई, दो की गिरफ्तारी हो गई है। तो दूसरी तरफ देखिए आपको ये बताते चले कि इस पूरे मामले में यानी कि हत्या के 28 घंटे के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी ली, लिखा सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और अनमोल बिश्नोई को हैशटैग भी किया गया है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि लॉरेंस अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और जब इस हत्याकांड की खबर सामने आई थी तब से आशंका थी, शक था कि कहीं लॉरेंस बिश्नोई का हाथ तो नहीं। और इसी खबर के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई थी, घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को वहां पर पुख्ता कर दिया गया था। आखिरकार हत्या के 28 घंटे के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी ली है और लिखा सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। देखिए लॉरेंस अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, उसने 14 अप्रैल को सलमान के घर के बाहर फायरिंग कराई थी और जेल में लॉरेंस से पूछताछ भी कराई गई थी और सलमान खान की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। देखिए हरियाणा और यूपी के शूटर्स ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, तीन शूटर्स में से दो को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया जिनसे पूछताछ की गई। और अब ये बड़ी जानकारी है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में, ये बड़ा अपडेट कि मेडिकल के लिए लेकर पहुंची है टीम कोर्ट में पेशी, थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा ये जानकारी सामने आ रही है। मेडिकल कंप्लीट होने के बाद थोड़ी देर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक शूटर इसमें से फरार है जिसका नाम शिव कुमार बताया गया है और हरियाणा और दो उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाले हैं और ये 40 दिन तक मुंबई में ही रुके थे और 20 से 25 दिन यानी जानकारी ये मिल रही थी कि वो काफी दिन तक वहां पर रैकी किए, उसके बाद इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। सिद्दीकी के घर और बेटे के ऑफिस की रैकी करते रहेंगे और सिद्दीकी को देखिए 22 सिक्योरिटी की सुरक्षा मिली थी लेकिन घटना के वक्त उनके साथ कोई कांस्टेबल नहीं था, स्ट्रीट लाइट्स और सीसीटीवी भी बंद थे। अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार जाँच की जा रही है और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर, दोनों डिप्टी सीएम की भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है क्योंकि जिस तरह से एनसीपी नेता की हत्या कर दी जाती है, बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र में उबाल है, मुंबई में लोगों में नाराजगी है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था कहां गई क्योंकि कई ऐसी वारदात अभी हाल ही में सामने आए जिसके बाद आपने देखा कि विपक्ष ने जमकर सरकार को घेरा। अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही कि थोड़ी देर में कोर्ट में दोनों आरोपी को पेश किया जाएगा मेडिकल के बाद, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम के बंगलों में भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल पुलिस की टीम कर रही, कई इनपुट्स मिले जिसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ देखिए सलमान खान की भी सिक्योरिटी को अपग्रेड किया गया है, वहां पर एक टीम की तैनाती कर दी गई है, घर के बाहर किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। मुंबई पुलिस ने इसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की पुष्टि की है, हत्या में शामिल आरोपियों के नाम शिव, धर्मराज और गुरमैल हैं। आपको ये भी बताते चले कि शिव और धर्मराज यूपी के बहराइच का रहने वाला है और यहां पर भी पुलिस की टीम रवाना हुई है क्योंकि कई अलग अलग टीम इस पूरे मामले को
लेकर जांच पड़ताल कर रही है। हरियाणा का रहने वाला है गुरमैल, जिसके यहां पर पुलिस पहुंची है धर्मराज, और गुरमैल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिव कुमार फरार बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उसे ही हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। शिव करीब 5 से 6 साल से पुणे में स्क्रैप व्यापारी के यहाँ काम करता था और कुछ महीने पहले उसने धनराज को भी पुणे में बुला लिया। हत्या का कॉन्ट्रैक्ट देने वाले व्यक्ति ने शिव और धर्मराज की मुलाकात गुरमैल से कराई थी। अब देखिए, गुरमैल जो है वो कैथल का रहने वाला है और उसने अपने दोस्त के भाई की बर्फ के सुए से 52 बार मार कर हत्या की थी और जेल में वह गैंगस्टर लॉरेंस गुर्गो के संपर्क में आ गया। ये पूरी जो जानकारी अब देखिए एक एक कर इसमें सामने आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया है और अब सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी उसने कहा कि सलमान खान की जो मदद करेगा वो अपने आप को समझ ले। तो देखिए, मुंबई के कूपर अस्पताल में सिद्दीकी के शव का पोस्टमार्टम हुआ। 5 डॉक्टर्स की टीम सुबह करीब 7:30 बजे से पोस्टमार्टम कर रही थी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई। अब ये बड़ी जानकारी इसमें सामने आ रही है कि तीनों जो इसमें गिरफ्तार दो आरोपी हैं उनका मेडिकल और उसके बाद मेडिकल के बाद कोर्ट में पेशी होगी। तीसरे आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है। तो देखिए, मुंबई पुलिस के मुताबिक हत्या में शामिल शूटर लॉरेंस के एसोसिएट गैंग रोहित गोदारा से जुड़े हुए हैं और हरियाणा पुलिस के सूत्रों ने यह बताया कि गुरमैल सिंह लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा के टच में था। आरोपियों ने 9.9 mm के पिस्टल से सिद्दीकी को गोलियां मारी थी और ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है जो एक बार में 13 गोलियां अपनी बैरल से छोड़ सकती है। ऐसी पिस्टल पंजाब में लॉरेंस के कई मेंबर्स के पास मिल चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी एक सामने आई है, मुंबई पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है। दूसरी तरफ देखिए, मुंबई के कूपर अस्पताल में बाबा सिद्दीकी के शव का पोस्टमार्टम खत्म हो गया है। सुबह करीब 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक पोस्टमार्टम चला। उनका शव अब बांद्रा स्थित उनके आवास मगबा हाइट्स में अंतिम दर्शन के लिए लाया जाएगा और शाम करीब 7 बजे मगबा हाइट्स में मकरीब की नमाज पढ़ी जाएगी और इसके बाद 8:30 बजे मरीन लाइन्स स्टेशन में सामने एक बड़ा कब्रिस्तान और जिसमें बाबा सिद्दीकी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। दूसरी तरफ देखिए, लॉरेंस गैंग का अगर हम यहाँ जिक्र करें तो लॉरेंस गैंग सलमान से बोला कि हम जंग चाहते नहीं हैं, तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। एक पोस्ट जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस पोस्ट के जरिए एक बार फिर से सलमान खान को धमकी दी गई है और कहा गया कि अनुज थापन दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। कई बातों का जिक्र किया गया है। लॉरेंस गैंग को टैग करते हुए शुभू लोनकर महाराष्ट्र नाम से एक यूजर ने सोशल मीडिया पर सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए पोस्ट शेयर की है। अब इस पूरे मामले में देखिए लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। इस पोस्ट के सामने आने के बाद देखना होगा कि पुलिस किस तरह से आगे की कार्रवाई करती है। और देखिए, इसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है। पोस्ट में लिखा है कि सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हैं वह एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। तमाम बातों का जिक्र यहां पर किया गया है। दूसरी तरफ देखिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच के लिए दिल्ली पुलिस एक स्पेशल टीम मुंबई भेजेगी और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे एक संदिग्ध गैंगस्टर का मकसद मुंबई में अपना प्रभाव स्थापित करना है। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है। और वही आपने तस्वीर देखी कि किस तरह से यहाँ पर पोस्ट जो कि सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। तो दोनों डिप्टी सीएम के बंगलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे। वहीं लॉरेंस गैंग को टैग करते हुए शुभू लोनकर महाराष्ट्र नाम से एक यूजर ने सोशल मीडिया पर सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए पोस्ट शेयर किया है। वो भी पोस्ट हम आपको दिखाएंगे। पोस्ट में तमाम बातों का जिक्र यहां पर किया गया है। तो वही आपको ये भी बताते चले कि मुंबई पुलिस के मुताबिक हत्या में शामिल शूटर लॉरेंस के एसोसिएट गैंग रोहित गोदारा से जुड़े हुए हैं। हरियाणा पुलिस के सूत्रों ने बताया कि गुरमैल सिंह लॉरेंस
जब गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा के टच में था और आरोपियों ने 9.9 एमएम के पिस्टल से सिद्दकी को गोलियां मारी थी। और ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है जो एक बार में 13 गोलियां अपनी बैरल से छोड़ सकती है और ऐसी पिस्टल पंजाब में लॉरेंस के कई मेंबर्स के पास मिल चुकी है। तो देखिए अब तमाम बैक टू बैक कई खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है, 2 गोली उनके पेट में और 1 सीने में लगती है, उसके बाद तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है लेकिन 11:30 बजे के करीब डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। तो सिद्दीकी के शव का पोस्टमार्टम हुआ। आपको ये भी जानकारी देते चले कि 8:30 बजे मरीन लाइन्स स्टेशन के सामने एक बड़ा कब्रिस्तान जिसमें सिद्दीकी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। वही लॉरेंस गैंग को टैग करते हुए शुभू लोनकर महाराष्ट्र नाम से एक यूजर ने सोशल मीडिया पर सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है।